Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, Shashank Pathak, faculty of history. Dear students, आज हम लोग प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, इतिहास में उस टॉपिक को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसी लिपि थी जिससे भाव उत्पन्न होते थे और उसके आधार पर इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वह किस प्रकार की लिपि है, तो पिक्टोग्राफिक यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, अगर लिखावट की मैं बात करूं तो यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में जो लिपि होती थी यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि, अगर उसकी लिखावट की बात करें तो यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सिंधु सभ्यता में लिखावट की अगर हम बात करते हैं तो लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। आज अगर वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो सामान्यतः हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट। लेकिन सिंधु घाटी के लोग जो है राइट टू लेफ्ट लिखते थे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, एक बार कमीशन ने इस प्रश्न को पूछा था और यहां पर बारीकी से आपको समझना है। सिंधु घाटी के लोग दाईं से बाईं ओर लिखते थे यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे, लेकिन इसके बाद फिर लेफ्ट से राइट जाते थे, फिर राइट से लेफ्ट आते थे, फिर लेफ्ट से राइट जाते थे। जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप यहां पर बारीकी से देखें, जो उनकी लिपि होती थी आप देख पा रहे हैं कि दाएं ओर से बाईं ओर, यानी कि यहां से शुरू करते थे और इस तरह से यहां पर आएंगे। ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से जब वो लाइन शुरू करते हैं तो पुनः यहां चले आएंगे, नहीं, वो यहीं से फिर शुरू करेंगे, लेफ्ट से फिर राइट की तरफ जाएंगे, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे। और सामान्यतः विद्यार्थी गलत क्या कर जाते हैं कि उन्होंने देखा कि दाहिने से बाईं ओर लिखते हैं, फिर उसके बाद अगली लाइन दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नहीं, प्रारंभ उन्होंने राइट से किया लेकिन फिर लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यानी कि सर्पा आकार ऐसी लिपि होती थी। और कमीशन ने इस प्रश्न को पूछा, जिस विद्यार्थी ने गहराई के साथ अध्ययन किया उसने सही जवाब दिया। तो आप समझ गए इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उनकी लिखावट जो थी वो दाईं से बाईं ओर थी, लेकिन जब दाईं से बाईं ओर जाते थे तो फिर बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ आते थे। और इसके साक्ष्य आपको कालीबंगा से देखने को मिल जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि मूल रूप से भारतीय है, इसका पश्चिम एशिया आदि की सभ्यताओं की लिपियों से कोई संबंध नहीं स्पष्ट हो पाता है।